आजमगढ़ से जब निरहुआ सांसद बने थे तो उन्होंने सीधा सीधा अखिलेश यादव को जवाब दिया था, क्योंकि कभी यही निरहुआ अखिलेश के सामने हार गए थे। इसलिए आजमगढ़ से जीतकर निरहुआ ने अखिलेश को जवाब दिया था। लेकिन अब अखिलेश के चाचा निरहुआ की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। कैसे, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में ये बातें चल रही है कि शिवपाल आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके बाद अब निरहुआ की बातें चल रही है। शिवपाल ने किया इशारा। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक आजमगढ़ पहुंचे शिवपाल ने कई मुद्दों पर बात की। बातों ही बातों में उन्होंने इशारा किया कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनाने की सरकार की मंशा ही नहीं है। यही कारण है कि कई बार दावा करने के बाद भी अब तक यहां से उड़ान की शुरुआत नहीं हो सकी है। आगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, प्रदेश की सभी 80 सीटों पर सपा 2024 के चुनाव में जीत दर्ज करेगी। वहीं जब शिवपाल यादव से आजमगढ़ लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पार्टी का निर्णय का सम्मान होगा, आजमगढ़ का विकास सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। तो शिवपाल यादव के इस बयान से अब ये कहा जा रहा है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। निरहुआ के लिए खतरा बने शिवपाल। अब देखिए, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सांसद है, ऐसे में आजमगढ़ से चुनाव होगा तो अगर शिवपाल लड़ते हैं तो उस सीट से दोनों के बीच मुकाबला होगा। ऐसे में निरहुआ की मुश्किलें तो बढ़ सकती है, क्योंकि शिवपाल के पास भी यादव वोट बैंक है निरहुआ की तरह, क्योंकि दोनों यादव है। इसके साथ ही शिवपाल की भी अपनी पहचान है, वरिष्ठ नेता है वो, तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल के सामने लड़ना निरहुआ के लिए चुनौतियों से भरा होगा। तो कुछ इस तरह से निरहुआ के लिए शिवपाल खतरा बन सकते हैं। आपको बता दें, आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी निरहुआ ने सपा को धूल चटाई थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अखिलेश यादव ने निरहुआ को हराया था, जिसका बदला चुनाव में जीत कर निरहुआ ने लिया। निरहुआ की जीत पर सभी ने उन्हें बधाई भी दी थी। फिलहाल आपको सुनाते हैं अंत में कि शिवपाल यादव ने कैसे बीजेपी पर तंज कसा, योगी सरकार पर सवाल उठाए। जाते जाते बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है, शिवपाल और निरहुआ अगर आमने सामने रहते हैं तो किसकी जीत होती है? उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। देखिए, जहां पर न्यायालय में और पुलिस संरक्षण में अब इस तरीके से हत्याएं हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से विफलता है, पूरी तरह से विफलता है। वकील अभी जुबल जी स्ट्राइक में हैं, वकील अभी भी स्ट्राइक में हैं। देखिए, अब न्यायालय में अगर इस तरीके की हत्याएं हो जाए तो पूरी सरकार की विफलता है। फिर लाइन ऑर्डर नाम की चीज कहाँ है? पूरी तरह से लाइन ऑर्डर इस समय ध्वस्त है। अब रोज देख रहे होंगे ना, इससे पहले भी इलाहाबाद में देखे ही है आपने, किस तरीके से अतीक और अशरफ की पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर मौन क्यों है? कहीं मौन नहीं है, समाजवादी पार्टी मौन नहीं है बिल्कुल। हम लोग इसीलिए तो कार्यकर्ताओं को अभी तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करके सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लाइन ऑर्डर जो पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरी तरह से सरकार विफल है। देखिए, नैमिषारण धाम एक यहाँ तो पवित्र धाम है ही, और जब लोग चारों धाम करके यहाँ पर आते हैं, बिना यात्रा अधूरी रहती है यहाँ जब तक पूरा नहीं कर दिया जाता है। और ये सही है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का किया है तो निश्चित असरों का नाश होना ही है।